हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। हम सब बचपन से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। निजी तौर पर जो मेरी राय है कि भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व संभवतः इस मानव इतिहास में कभी किसी का रहा ही नहीं, और शायद इसीलिए उन्हें महामानव या एक अवतार पुरुष भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार बताए जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके पास 16 कलाएं थीं, भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थीं, एक साधारण इंसान के पास 5 कलाएं होती हैं, और जो थोड़े एडवांस इंसान होते हैं, जो काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं या फिर काफ़ी गुणवान इंसान होते हैं, उनके पास अधिकतम 8 कलाएँ हैं। तो चंद्रमा के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जिनके पास सभी 16 कलाएँ थीं। अब सवाल ये उठता है कि 16 कलाएं होती क्या हैं? तो 16 कलाएं वास्तव में 16 प्रकार के गुण होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में एक खास गुण होता है कि कोई एक चतुर राजनीतिज्ञ होता है, कोई एक चतुर चित्रकार होता है, अच्छा चित्रकार होता है, या कोई विनयशील होता है, कोई सत्यमवदती होता है, यानी कि जो हमेशा सच बोलता है। पर भगवान कृष्ण जो थे उनके पास सभी विशेष 16 कलाएँ थीं जो एक सामान्य इंसान में होना लगभग नामुमकिन है, लगभग क्या नामुमकिन ही है। तो भगवान कृष्ण के पास जो 16 विशेष कलाएं थीं, जो 16 विशेष गुण थे, उन्हें ही हम 16 कलाएं कहते हैं। इसीलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, उन्हें प्रेमी भी कहा जाता है, उन्हें राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है, उन्हें कुशल योद्धा भी कहा जाता है, कुशल प्रशासक भी कहा जाता है, और दृष्टि ऐसी कि सुदर्शन नाम के चक्र से हर बुराई का वो अंत कर देते थे। तो आज के इस वीडियो में हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा कि वो 16 कलाएं क्या थीं जो भगवान कृष्ण को महानतम बनाती थीं, और उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको जानने की या आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 16 कलाएं हैं, इनके हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो कला थी वो थी श्री संपदा। श्री संपदा सबसे पहली कला है, और श्री संपदा का अर्थ है धनवान होना। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि धनवान होना कौन सी कला है, तो यहाँ पर बात सिर्फ धन की यानी कि रुपए पैसे की नहीं है। श्री कृष्ण के पास तन मन धन हर प्रकार से वे धनी थे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आध्यात्म शक्ति से, अपने मन की शक्ति से, अपने मन की पवित्रता से, अपनी बौद्धिकता से और अपने निश्चल मन से मानवता की सेवा करें, वही सबसे बड़ा धनी है। तो जो पहला उनका गुण था वो था श्री संपदा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर प्रकार का धन है, न सिर्फ रुपए पैसे की बात हो रही बल्कि हर प्रकार का धन है, सारे उनमें गुण हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है श्री संपदा से निहित व्यक्ति। तो पहला गुण हो गया श्री संपदा। भगवान कृष्ण के अंदर जो दूसरा गुण था वो था भू संपदा। अब भू संपदा का अर्थ नाम से पता चलता है, भू यानी जमीन और संपदा यानी कि संपत्ति। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में भूमि हो, जो बहुत बड़े क्षेत्र का अधिपति हो, उसे कहा जाता है भू संपदा का स्वामी। तो भगवान कृष्ण का के अंदर जो दूसरी कला थी यानी कि जो दूसरा गुण था वो था भू संपदा। वे एक बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी थे, लेकिन स्वामी होने के बावजूद, स्वामी होने के पश्चात भी उनके अंदर जो एक प्रजापालक का गुण था वही उन्हें महान बनाता है, वही उन्हें पूजनीय बनाता है। तो इस तरह के हमने दो गुणों की चर्चा की। जो तीसरा उनका गुण था वो था कीर्ति संपदा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कीर्ति हो, ऐसा व्यक्तित्व की जिसकी कीर्ति दूर दूर तक हो, लोग उनकी चर्चा के बिना रह ना पाए, जिसका नाम हो, जिसकी ख्याति हो अपने अच्छे कर्म के लिए, अपने अच्छे गुणों के लिए। तो तीसरी जो कला थी वो थी कीर्ति संपदा। इसी प्रकार हम चौथे गुण की बात करते हैं, वो थी वाणी सम्मोहन। सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो दुनिया थम जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो समस्त संसार सुनता है। अगर आपने महाभारत देखी हो या महाभारत पढ़ी हो, पढ़ता तो खैर कौन है आजकल, लेकिन महाभारत देखी हो तो उसमें आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी, आपने इस बात का निरीक्षण किया होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण बोलते थे तो कौरव भी सुनते थे, जो उनके विरोधी थे, जो उनके विपक्षी थे, वो भी सुनते थे। क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके वाणी में सम्मोहन हो, उसकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, उसकी बात शत्रु भी सुनना पसंद करते हैं। वैसे तो उनका कोई शत्रु नहीं था, आप सभी जानते हैं
कि मित्र भी मैं ही, शत्रु भी मैं ही, मारने वाला भी मैं ही, मरने वाला भी मैं ही, घाव देने वाला भी मैं ही, लेप भी मैं ही, क्रोध भी मैं ही, स्नेह भी मैं ही, सब कुछ मैं ही। महाभारत के युद्ध में मरने वाले भी श्री कृष्ण, मारने वाले भी श्री कृष्ण, मोक्ष प्रदान करने वाले भी श्री कृष्ण। तो ये उनका चौथा गुण था। जो पांचवा उनका गुण था वो था लीला। लीला यानी चमत्कारी व्यक्तित्व। हम कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने लीला रची। लीला रची यानी कि उनके जो काम थे, उनके जो कर्म थे, उनका जो व्यक्तित्व था, इसीलिए जो उनका पांचवा गुण था वो था उनका लीला, लीला धरना, और लीला के माध्यम से मानव जाति को विभिन्न प्रकार के संदेश पहुंचाना। ऐसा सिर्फ श्री कृष्ण में ही संभव था। तो पांचवा जो गुण था, पांचवी जो कला थी, वो थी लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला। चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे वो वयस्क के रूप में हो, चाहे वो अर्जुन के सारथी के रूप में हो, या फिर जब देह त्यागने की बारी आई तो पैर में धनुष लगा के स्वयं की देह त्यागने की बात हो। जो भगवान कृष्ण का छठवा जो गुण था या छठवी जो उनकी कला थी वो थी कांति, चेहरे का तेज, चेहरे की कांति। जो कृष्ण को एक बार देख ले बस देखता रह जाए। कभी वृंदावन जाइए, बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन कीजिए, उनकी आंखों से आंखें मिलाइए, उनकी आंखें अपने आप में सम्मोहित करने वाली हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। और यदि साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं तो संभवतः वे सभी लोग जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए उनसे बड़ा भाग्यशाली संभवतः इस दुनिया में कोई ना रहा होगा। तो उनका जो छठवा गुण था या छठवी कला थी वो थी उनके चेहरे की कांति। आगे बढ़ते हैं सातवीं कला की तरफ। तो उनकी जो सातवीं कला थी वो थी विद्या। और जिस व्यक्ति के अंदर विद्या आ जाए, विद्या ये नहीं जो हम आज एजुकेशन सिस्टम देखते हैं रटने वाला, विद्या यानी कि सात्विक गुणों का सरोकार, अपने अंदर ज्ञान का भंडार, जहां से मिले ज्ञान अर्जित करने की ललक। तो ऐसा विशिष्ट लक्षण भी भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही विद्यमान था। तो जो सातवीं कला थी, जो सातवां गुण था वो था विद्या। भगवान श्री कृष्ण की आठवीं कला की बात करें वो थी निश्चलता। निश्चल, निश्चल प्रेम, निश्चल शत्रुता, सब कुछ निश्चल, जिसमें छल कपट की भावना ना हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो निश्चलता लगभग नामुमकिन है किसी भी व्यक्ति में, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वार्थ और छल की भावना आई जाती है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इससे परे थे। तो उनका जो आठवां गुण था वो था निश्चलता। भगवान श्री कृष्ण का नौवां गुण या नौवीं कला थी वो थी उत्कर्षशीलता, उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति यानी कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, ऐसी शक्ति जिससे वो मन मोह ले, जिससे किसी को भी आकर्षित कर ले। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बात उनके शत्रु भी सुना करते थे, क्योंकि व्यक्तित्व ऐसा है, बात ही ऐसी कह रहे हैं, बातों के तर्क ही ऐसे हैं, तर्क संगत बात है जिससे कि उनकी बात को कोई काट न सके, कोई उनकी बात की अवहेलना न कर सके। तो ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा गुण या ऐसी कला श्री कृष्ण में ही संभव थी। तो उनकी जो नौवीं कला थी वो थी उत्कर्षणी कला या उत्कर्षणी का गुण। बढ़ते हैं दसवीं कला की ओर, नील क्षीण गुण। नील क्षीण गुण यानी कि ऐसा न्यायप्रिय व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़े, जो न्याय के लिए डट कर खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उनके मित्र थे या उनको बहुत प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया था युद्ध के पहले दिन, युद्ध होने से पूर्व जब वो हितोपदेश दे रहे थे, जब वो गीताउपदेश दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि यही न्याय की मांग है, तुम्हारे साथ धर्म है। यदि तुम्हारे साथ धर्म नहीं होता तो मैं कौरवों के साथ खड़ा होता। वरना भगवान श्री कृष्ण को क्या मतलब था कौरवों और पांडवों से, उनका व्यक्तिगत मामला था। लेकिन चूंकि यहाँ बात धर्म की थी, जहाँ बात न्यायप्रियता की थी, सत्यता की थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दसवें गुण का उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण का ग्यारहवां गुण और भी उपयोगी है, कर्मण्यता। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। वे स्वयं अवतार थे, स्वयं सक्षम थे, एक दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा,
उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये आपका युग है, आपके युद्ध करने का युग है, मुझे युद्ध जितना करना था मैं कर चुका, अब आपका कर्म है, आप कीजिए। तो स्वयं दूसरे को कर्म करने के लिए प्रेरित करना और स्वयं भी कर्म करना, यही भगवान श्री कृष्ण का 11वां गुण या 11वीं कला थी, कर्मण्यता, यानी कि कार्य करो, फल की चिंता मत करो, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन यदि कुछ करोगे ही नहीं तो क्या परिणाम। भगवान श्री कृष्ण की 12वीं कला थी योग शक्ति। भगवान श्री कृष्ण जैसा योगी शायद संभवतः कोई हुआ हो, कोई नहीं हुआ। विभिन्न योग साधनाओं से स्वयं की इंद्रियों पर जय करना, कुंडलिनी जागृत करना, ये भगवान श्री कृष्ण की 11वीं कला थी, यानी कि योग शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की 13वीं कला की बात करेंगे, यानी कि विनय। विनय जैसा कि आप सब नाम से जानते हैं कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे विनय करने से पीछे नहीं हटते थे। जब भी किसी से मिलते, अभिवादन करते, रास्तों की तलाश करते, और युद्ध की स्थिति उन्होंने तभी बनने दी जब कोई सारे रास्ते बंद हो गए, कोई और रास्ता नहीं मिला। तो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को विनयशील होना कितना आवश्यक है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने 13वें गुण यानी कि 13वीं कला से सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला थी सत्य धारण, सत्य का साथ देना, सत्य के लिए लड़ना। कहा जाता है कि इस दुनिया को दुष्टों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना सत्य ना बोलने वाले या खामोश रहने वाले या शांत रहने वाले व्यक्तियों से हुआ है। जो सत्य नहीं बोलते, जो सच नहीं बोलते, जिन्हें सत्य का मार्ग सन्मार्ग का मार्ग नहीं लगता, जिन्हें सत्य का मार्ग कठिन लगता है, और निसंदेह सत्य का मार्ग कठिन होता भी है, निसंदेह सत्य का मार्ग कठिन भी होता है, लेकिन सत्य में जयते भी होता है, सत्य की ही विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण की 15वीं कला है आधिपत्य। आधिपत्य का मतलब किसी को के ऊपर अधिग्रहण करना नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती फोर्स करना नहीं है, या अपनी दादागिरी दिखाना नहीं है। आधिपत्य होता है व्यक्ति के मन पर विजय प्राप्त करना, सामने वाले के मन पर विजय प्राप्त करना, शांत स्वभाव से, प्रेम से, मीठे वचनों से किसी व्यक्ति को प्रभावित करना, उसे अपना बना लेना, अपना बंधु, अपना सखा बना लेना। तो भगवान श्री कृष्ण की 15वीं कला थी या 15वां गुण था आधिपत्य, दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने का गुण। भगवान श्री कृष्ण का 16वां गुण था अनुग्रह, कि अनुग्रह के द्वारा ही समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। शांत स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, राजनीतिक स्वभाव, सत्यम वदति, सत्य बोलने का स्वभाव, विनयशीलता, और सर्वशक्तिमान होते हुए भी विनम्र रहना, झुके हुए रहना, बड़ों का सम्मान करना, एक कुशल योद्धा होना, तो इन सभी 16 गुणों से मिलकर ही बनते हैं श्री कृष्ण। तो इस छोटे से वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी थीं, 16 गुण कौन कौन से थे, उनका क्या महत्व था। अगले वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय